हेलो जी, नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यम करीज पर। आज हम बनाने जा रहे हैं चाप की एक नई रेसिपी। आप नहीं समझे हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं तंदूरी सोया चाप। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जायके का सफर यम करीज पर। पहले चाप को तंदूरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने चाप ली है, फ्रेश चाप। मैं इसकी ये डंडियां निकाल देती हूँ। ये अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ चाप है। मैंने इसको बॉईल नहीं किया है। क्या क्या सामान चाहिए वो हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। अब चाप की डंडी निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो आइए पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं ऑयल चाप फ्राई करने के लिए। ये ऑयल हम मीडियम हीट पे गरम करेंगे और बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए हमको तेल। और इसके साथ ही जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, मैं दूसरी गैस पे चढ़ा देती हूँ अपना कोयला, जो हमने अपनी चाप को स्मोक करने के लिए गरम करना है। ठीक है जी, हमारा तेल भी ऑलमोस्ट गरम हो गया है। हम एक एक करके अब ये चाप इसमें डाल देते हैं। हमने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको बॉईल नहीं करा है। अगर बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो ये बाहर से तो फटाफट हो जाएंगी लेकिन अंदर से इनमें कच्चापन रह जाएगा, इसलिए हम इसको मीडियम आंच पे गरम करेंगे। देखिए जी, ये हो गई हमारी चाप फ्राई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी हमारी चाप। ठीक है जी, चलिए अब इसको काट लेते हैं। तो आइए जी देखते हैं, ये हमारी चाप फ्राई हो गई है, देखिए बहुत अच्छे से। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम इसको अपने हिसाब से जैसा हमको चाहिए, अगर हमको बड़े पीसेस चाहिए तो हम इसको दो पीसेस में कट कर सकते हैं, अगर हमको छोटे पीसेस चाहिए तो हम इसको तीन पीसेस में कट कर सकते हैं। तो हम इसे कट कर लेते हैं। ध्यान से, ये बहुत गर्म है, धुएं निकल रहे हैं इसमें से। देखिए जी, ये सब कट गई हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। चलिए जी, अब चाप मैरिनेट करने के लिए हम ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। साथ ही में हम इसके डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम डाल लेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक। और ये है जी तंदूरी मसाला। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो प्लीज़ डू चेक इट। ये घर का तंदूरी मसाला है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम टेस्ट करता है। ये भी 1 छोटा चम्मच ले लिया है हमने। सबको मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें, यह है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का और 2 छोटे चम्मच बेसन है जो मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको सिर्फ उतना ही ड्राई रोस्ट करना है किसका कच्चापन खत्म हो जाए। बेसन इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और थोड़ा सा जो दही से पानी छूटेगा ना उसको भी वो मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यह है जी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम साथ ही में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं। नमक थोड़ा सा डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे हम हरा धनिया, चॉप करके रखा हुआ है मैंने। 1 चम्मच ताज़े नींबू का रस भी डाल देते हैं हम इसमें। चलिए जी, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपनी फ्राई करी हुई और कट करी हुई चाप डाल देते हैं। ये लीजिए हमारी चाप, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से सारी मैरिनेशन हमने अपनी चाप पे कोट करनी है। देखिए इस तरह से ये सारी मैरिनेशन कोट हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब जो हमने अपना कोल गरम करने रखा था, ये हम थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा गरम किया हुआ कोयला है, बहुत गरम है इसलिए इसे किसी चीज से पकड़ के हम इसको मैरिनेशन के बीच में डाल देंगे। और 1 चम्मच इस पे हम डाल देंगे देसी घी और इस तरह से इसे स्मोक करने देंगे।
हमारी चाप मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको सीख में डाल लेते हैं, थोड़ा गैप में डालेंगे क्योंकि हमने इसे गैस पे बनाना है, और गैप में डालेंगे ना तो ये अच्छे से सब तरफ से सिक जाएगी। दूसरी सीख भी तैयार कर लेते हैं। आइए अब इसको गैस पे सेक लेते हैं। आइए जी, गैस हमने ऑन कर लिया है, अब हम इस पे हमने जो अपनी चाप सीख पे लगाई है उसको सेक लेते हैं। इसे हम हल्का हल्का सेक लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही होना चाहिए। देखिए ये ड्राई हो गया है थोड़ा थोड़ा, बटर हमने थोड़ा सा पिघला के रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं, इसको गैस पे एक बार फिर से भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। बस इसी तरह हम अपनी बाकी की सारी चाप भी पका लेंगे। आइए जी, अब हमने अपना चाप टिक्का तो तैयार कर लिया है, साथ में आज हम अगर चाप टिक्का रोल बनाएं तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसके लिए आज हम होल व्हीट टॉर्टिलास बनाएंगे, जिसके लिए हमको चाहिए 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर और आटा। ये हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हम इसमें मोयन के लिए घी या तेल डालेंगे। को मिक्स कर लेते हैं हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं डालेंगे नहीं तो फिर ये खस्ता हो जाएगी और हमें इसे खस्ता नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे दही, थोड़ी सी दही हमेशा डालनी चाहिए जब भी हम कोई रोल बनाते हैं या तंदूरी आइटम बनाते हैं। दही इसको एक मॉइस्टनेस, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंद लेंगे। इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। आइए जी, हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पहले पेड़े बना लेते हैं। हम बहुत पतले भी नहीं बनाएंगे और बहुत मोटे भी नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस साइज का पेड़ा हमने लिया है, पहले सारे पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए हमने सारे पेड़ बना लिए हैं। आइए अब हम अपने पहले टॉर्टियास बना लेते हैं, बट इनको जो बचे हुए पेड़ हैं उसको हम ढक के रख देते हैं। ये हम इसलिए ढक रहे हैं ताकि ये सूखे ना और इस पर पपड़ी ना बन जाए। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। इसकी इतनी थिकनेस हमने रखनी है, ठीक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब ये तवा गर्म कर लिया है हमने और इसको हम तवे पे सेक लेते हैं। ये जो हमने टॉर्टिया बनाया था वो हाफ डन है इस तरह से। आप चाहें तो ऐसे बना के इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं और जब चाहिए हो तब निकाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर हम अभी रोल बनाएंगे तो इसलिए हम इसको फुल डन करेंगे। तो चलिए फिर फुल डन कर लेते हैं। आइए एक आपको मैं लच्छा भी बना के दिखाती हूँ, क्योंकि रोल में लच्छे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये होल व्हीट है। लच्छे पराठे की रेसिपी हमारे चैनल पे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ डू चेक इट। ये देखिए कितने अच्छे से इसके लच्छे निकल रहे हैं। अब जब हम अपने लच्छे पराठे को भी हल्का हल्का ऑयल लगा के दोनों तरफ से सेक लेंगे। आइए जब तक हमारा लच्छा पराठा सिक रहा है तब तक हम एक बहुत अच्छा स्प्रेड तैयार कर लेते हैं। ये लिए हमने मेयो और इसमें हम ऐड करेंगे मिंट सॉस, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ मिंट सॉस, और इसको मिक्स कर लेंगे। टॉर्टिया हमारा तैयार है, तंदूरी चाप हमारी तैयार है, वेजिटेबल्स तैयार हैं, मिंट मेयो तैयार है, तो हम अब टॉर्टिया असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉर्टिया पे लगाएंगे मिंट मेयो, अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ताकि थोड़ा जूसी फ्लेवर आए और इसका टेस्ट आए हमारे को। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे टमेटो केचप। अब हम इस पर अपनी तंदूरी चाप रखेंगे। ये हमने चाप काट ली है। फिर अपनी वेजिटेबल्स, चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स आपकी हैं, ये है आइसबर्ग, कैप्सिकम, टमेटोज, जूसीनेस चाहिए ना उसके लिए टमेटोज और क्यूकुम्बर, ये सबके मैंने जूलियंस काट लिए हैं। अब इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा हम लेमन जूस स्क्वीज कर देंगे और इसको अब रोल कर देंगे। और आपका बहुत ही डिलीशियस, यमी और फिलिंग स्नैक तैयार है। इस तरह से हम इसको फॉइल में लपेट लेंगे। ये देखिए जी कितना बढ़िया हेल्दी स्वादिष्ट तंदूरी चाप रोल तैयार है। इसे सर्व कीजिए मिंट सॉस के साथ, टमाटो केचप के साथ, और जाइए इस रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली हर रेसिपी की
नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको पता रहे कि यम करी इसी किचन में आज क्या यमी बनने जा रहा है।